रुख करते हैं नीतीश की मोर्चाबंदी का। कोलकाता में ममता और लखनऊ में अखिलेश यादव संघ मंथन के बाद नीतीश अब रांची और भुवनेश्वर का दौरा करने जा रहे हैं। आज वो ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात कर सकते हैं, विपक्षी खेमे को मजबूत करने की पटकथा लिख सकते हैं। नीतीश कल झारखंड भी पहुंच सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात सीएम हेमंत सोरेन से हो सकती है। तीन दिन पहले नीतीश के हमराज कहे जाने वाले ललन सिंह ने हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात की, तभी से ये कयास लग रहे हैं कि नीतीश जल्द ही सोरेन से मिलकर विपक्षी मोर्चे को मजबूत कर सकते हैं। बता दें कि कुछ दिनों पहले हेमंत सोरेन ओडिशा भी गए थे, जहां उनकी सीएम नवीन पटनायक से मुलाकात हुई थी। इन तमाम कड़ियों को जोड़े तो साफ है कि नीतीश नवीन पटनायक और हेमंत सोरेन को भी साथ लाकर विपक्षी मोर्चेबंदी को मजबूत कर सकते हैं। सहयोगी मधुकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुकर जी, नीतीश कुमार लगातार घूम रहे हैं, कभी दिल्ली पहुंच रहे हैं, कभी लखनऊ पहुंच रहे हैं, बंगाल पहुंच रहे हैं, और अब ओडिशा और भुवनेश्वर भी वो पहुंचने वाले हैं। विपक्ष के जो मोती हैं उनको पिरोने के लिए जो धागा चाहिए, क्या नीतीश कुमार वो बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, राजनीतिक तौर पर जो आपका सवाल है कि क्या वो धागे के रूप में स्थापित हो पाएंगे, लेकिन इतना तो कहा जा सकता है कि इस धागे के रूप को स्थापित करने की कोशिश में वो लगे हुए हैं, क्योंकि नवीन पटनायक जैसे ओडिशा भी जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश गए, बंगाल गए, तो तमाम जगहों पर ऐसे विपक्षी दलों को साधने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं, जो मोदी जी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ पहले से खड़े हैं। तो पहले से जो खड़े हैं उनको अपने साथ लाने या खुद के साथ लाने नहीं, एक साथ करने की बात जो है वो पूरी तरह से दिखाई दे रही है। और चूंकि नीतीश कुमार की राजनीतिक छवि ऐसी रही है कि वो इस काम को कर सकते हैं, तो वो लगे हुए हैं। अब इसमें कितनी सफलता मिलेगी, कितनी असफलता मिलेगी, कहाँ तक विपक्षी जितना स्वागत ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने उनका अपने राज्यों में किया, क्या देश के स्तर पर उस तरह का स्वागत नीतीश जी का होगा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन साथ में जहाँ तक बात उड़ीसा और झारखंड की है, तो उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहाँ की एक लंबे समय से एक राजनीतिक दल का वर्चस्व रहा है। और अगर कहा जाए तो जैसे बंगाल, उड़ीसा, ये सब ऐसे राज्य हैं जो तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में रहे हैं। इस लिहाज से उड़ीसा बहुत महत्वपूर्ण है, उसको करना नीतीश जी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रही बात हेमंत सोरेन की, तो कुछ दिन पहले, तीन दिन पहले ललन सिंह उनसे मिले थे, और उसी समय कहा जाता है, जो गांव में एक कहावत है कि बाघ आने से सबसे प्यार आता है, बिहार झारखंड की कहावत है, इसलिए ललन सिंह भी बेहतर समझ पाएंगे, नीतीश जी भी बेहतर समझ पाएंगे। तो छिपसियार तो आ चुका है, अब बाघ आने की बारी है। तो राजनीतिक तौर पर ये बाघ जो है वो कितना बीजेपी को डरा पाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि हेमंत सोरेन तो बीते कुछ दिनों में जितना जले हुए हैं बीजेपी से, इतने आरोप लगा रहे हैं, उसके बाद तो यही माना जा सकता है कि हेमंत सोरेन बाह खोल करके नीतीश जी का स्वागत करेंगे। चलिए मधुकर जी, बहुत शुक्रिया आपका, नजर आप बना रखिएगा।